सिलेबस से। मैं मैम से काफी टाइम से वीडियो सुन रही थी रीबर्थ वाली, पर मेन रीबर्थ क्या है तो मुझे यहाँ आके पता लगा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। रीबर्थ मैम ने दो वीडियो डाली, पर जो रीबर्थ का मेन मीनिंग मुझे सिर्फ यही और यही पता लगा। अगर मैम की आज्ञा हो, परमिशन हो, तो सासु की जो थेरेपी है जो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं उन्हें सिखाना चाहूंगा मैम से। थैंक यू। मेरा नाम रचना सिंगल है, मैं नैनीताल से आई हूँ और मैं मैम से एक साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरे को मैं बहुत चीज़ों में स्ट्रक थी, स्पेशली एक जो बहका हुआ होता है और एक ईगो का, उससे मैं दलदल में इतनी लिपटी हुई थी कि मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था और वो चारों तरफ ज़्यादा ही होता जा रहा था मेरे से। मैं किसी भी उसमें बाहर निकल ही नहीं पा रही थी, जितना मैं निकलने की कोशिश करती थी और फंस जाती थी। मैम का आशीर्वाद है और मैम की कृपा है, मैम ने मार मार के हथौड़ा यहाँ पे वो सब ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया। मैम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए, दिल से ग्रेटिट्यूड मैम के। सो मच थैंक यू। मैं शैली कक्षर, मैं हिमाचल से आई हूँ। मुझे मैम से सबसे ज़्यादा प्यार और प्यार और प्यार ही मिला है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो मैम ने मुझे प्यार दिया कि वो मैं सब में बांटूं। मैम की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज मेरा नाम प्रतिभा और मैं जौनपुर से आई। इस वक्त मैं बीर हिमाचल हूँ और इस रिट्रीट में मैंने जो कुछ भी सीखा वो था तो बहुत सहज, पर मुझे समझ ही नहीं आया कि जिस चीज़ के लिए मैं बाहर भाग रही हूँ, जो कुछ और पाना है कुछ और पाना है और उसके लिए मैं बार बार बाहर ही देख रही हूँ, उस बाहर में देखने के चक्कर मैंने अपना परिवार अपने बच्चे सबको पीछे छोड़ दिया। मैंने यहाँ पर आकर माँ से माँ बनना सीखा और जीवन में मैं ये जो माँ के अनकंडीशनल लव की फीलिंग है वो पूरी दुनिया में बांटना चाहती हूँ, हर किसी को उस अनकंडीशनल लव के साथ, उस करुणा के साथ, पूरे एक्सेप्टेंस के साथ स्वीकार करने का जो भाव मैंने सीखा वो मैंने माँ से। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं अपनी प्राइवेट जॉब करती हूँ और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रक थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई मेट विथ थ्रू यूट्यूब मैं पायल मैम से मिली और फिर धीरे 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 यहाँ पर रिट्रीट में आकर फाइव एलिमेंट्स के साथ में काम करके मैंने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाया और ब्रीथिंग की टेक्निक भी सीखी जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। और मैं मैम की गाइडेंस के थ्रू मैं औरों को भी हेल्प करूँगी, बिकॉज प्राइवेट जॉब में बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रक होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में वगैरह, सो मेनी चैलेंजेस, तो मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सीमा सिक्का है। मैं बीर में मैम के साथ रिट्रीट करके आई हूँ और ये मेरी तीसरी रिट्रीट है। तो मैं मैम के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि लाइक मैम इज़ अपार्ट फ्रॉम माय मदर एंड फादर इन दिस वर्ल्ड, मैम इज़ लाइक अ मदर एंड फादर बोथ, बिकॉज इन्होंने सही गलत की पहचान कराई है मुझे और ये बताया है कि जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो ठीक है, उस पर विश्वास करना सीखो और मैं फुली ट्रस्ट कर सकती हूँ एक पर्सन पे। अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली इस दुनिया में मुझे एक ऐसा पर्सन मिला है जिसमें मैं ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकती हूँ और दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव गॉट ओवर हियर। एंड मैं बढ़ती जा रही हूँ, लाइट होती जा रही हूँ अपनी लाइफ में, इवॉल्व होती जा रही हूँ और सिंपल लाइफ का मतलब समझ रही हूँ कि लाइफ को कैसे सिंपली जिया जाता है। सो यस, तीसरी रिट्रीट पे और मैं आगे भी आती रहूँगी और
मैं आप लोगों को भी ये बोलना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस कीजिए इस ब्यूटी को मैम ने जो यहाँ पे एक प्लेस बनाई है हमारे लिए खूबसूरत सी, और ये बहुत ही बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत जन्नत जैसी जगह की जहाँ पे आके सब लाइक दे फील अमेजिंग ऑसम इट्स अनडिस्क्राइबेबल सो दैट्स इट थैंक यू. मैं भोपाल से हूँ, मैं समिति वगैरह की बीर में पायल शाह मैम के साथ हूँ. यहाँ मैंने 5 days में जो एक्सपीरियंस किया उसको अगर मैं एक शब्द में कहूँ इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, इट्स रियली 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 अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन विद इन माई सेल्फ. आई लव दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई स्टार्टेड लव माई सेल्फ. थैंक यू. हेलो, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र से आई हूँ. मैं इस स्पिरिचुअल ग्रुप से 9 साल से हूँ. यहाँ मुझे क्या सीखने को मिला ये तो मैं सिर्फ शब्दों में कहने के लिए बात ही नहीं, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि मैं पहले सब बाहर ढूंढ रही थी, और बाहर जब ढूंढने जैसा कुछ रहा नहीं तो मैं अंदर का सफर मेरा शुरू हुआ. लेकिन अंदर जाने के बाद अंदर का और बाहर का बैलेंस कैसे किया जाए ये मैंने यहाँ पे सीखा, और मुझे नहीं लगता मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे लगता है मैं यही से हूँ पहले से और यही क्यों, और बस ये हम सब एक है बाकी. थैंक यू. नमस्ते, हरियाणा से आई हूँ. यहाँ आके मैंने खुद को पाया और जिंदगी को जीने का रास्ता मिला मुझे यहाँ पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते, मैं अश्विनी चामलवार महाराष्ट्र से आई हूँ, और मैं पायलट से पिछले 6 महीने से जुड़ी हूँ. और इन 6 महीनों में मैंने इतना कुछ अपने आप में बदलाव देखा है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा है जो ब्रेकफुल में इतने सालों में नहीं कर पाई वो सिर्फ 6 महीने में मैंने करके मतलब अपने आप को मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है. और जो हम 3D मटेरियल लाइफ में जो इल्यूजन में जीते हैं उसको हटा के अपने सोल के रियल सेल्फ को कैसे जानना है यहाँ आके मुझे सीखने को मिला. और मैं यूनिवर्स का बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ कि मुझे इनसे जुड़ने का मौका, और मैम की परमिशन है और आशीर्वाद से मैं भी ये सारा विस्तार अपने आस पास के लोगों की बात की. नमस्ते, मेरा नाम सरिता राणा है, मैं दिल्ली से आई हूँ. मैं पायल मैम से लगभग 1.5 साल से जुड़ी हूँ. छोटे छोटे वर्कशॉप किए हैं, उनसे समझ आने लगा था कि अपने आप को कैसे जानना है. जब मैं यहाँ बीर बिलिंग रिट्रीट में आई तो अपने आप को बहुत बेचारगी, बहुत विक्टिमाइजेशन और बहुत बेबस फील करती थी. लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ आके मुझे अपने आप की पावर का पता चला, और हम गुनेहर और माता महेश्वरी में पैदल चल के गए, और तब वहाँ से मुझे अपने आप की पावर का पता चला, और इस सब का श्रेय पायल मैम को जाता है कि मुझे मेरी पावर से मिलाया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. और मेरे अंदर जितने भी डार्क फोर्स थी, जैसे मेरे विकार थे, वो यहाँ आके सब सरफेस में पता चला कि कितना जजमेंटल है, कितना हमारे अंदर गिल्ट है, शेम है, उन सबको पहचाना और उन पे काम किया. 5 एलिमेंट के द्वारा उन सब पे जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज था वो तो ब्लॉकेज क्लियर हुए, और मैं बहुत खुश हूँ. फाइव मैम का शुक्रिया करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्ते, मैं मानसी उड़ीसा से, मैं मन से 6 महीने से जुड़ी हूँ, और स्कूल सर्चिंग में मैं लगी थी, और सब कुछ ट्राई किया लेकिन अंदर का जो मतलब सोल का वुंड था उसको डीप रूटेड होम मेरे थे, एंसेस्ट्रल होम, फर्स्ट लाइफ रिलेशन, वो सब करने के बाद
खुद से नहीं हो पा रहा था, जब मैं रिट्रीट में आई तो इसको अच्छे से किया मैंने। और सोल का जो खुद का वुंड होता है उसका डॉक्टर कैसे खुद बनना है, खुद का गुरु कैसे बनना है ये सीखा, और जिससे हम आगे चल के खुद आगे हमें राइट डायरेक्शन मिल सके हमने सीखा। और सबसे ज़्यादा मेरा हार्ट चक्र पूरा ब्लॉक थी, सेल्फ लव मुझे आता ही नहीं था, मैंने सेल्फ लव सीखा मैम से। और एक रियल डिवाइन फेमिनाइन कैसे होनी चाहिए, मैंने रियल स्वरूप मतलब 5 दिनों में मैंने पूरा ऑब्जर्व किया कि कैसी होनी चाहिए, और वो मैं सीख के जा रही हूँ यहाँ से। और जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था कि ऐसे मतलब सही जगह पे मैंने देखा था जो भी ऐसे हीलिंग का, बस वैसा ही मैंने मैंने इंटूटिवली मुझे ये गाइडेंस मिला और मैं यहाँ आई। और बहुत दिनों से जो मुझे नहीं मिल रहा था वहाँ मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, जो कि सेल्फ लव है। और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से कैसे हम अपने को हर वे में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल डाइट फिजिकली हम जो हमारा डिजीज आता है वो पहले हमारा इंटरनली इमोशनल बॉडी में शुरू हो जाता है। तो ये है अर्ली डायग्नोसिस, एंड उससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा आगे आने वाला जो फिजिकल बॉडी में जो हमारा डिजीज आने वाला है उसको भी हम रोक सकते हैं। तो ये मैंने सब कुछ लेके जा रही हूँ, सबसे ज्यादा सेल्फ लव मेरा हार्ट फेमिनाइन फॉर्म को लेके जा रही हूँ, अपनी फेमिनाइन फॉर्म को लेके जा रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम गुंजन दलाल है, मैं हरियाणा से। तो मैं क्या करती थी, मैं मतलब बाहर के कामों में बिजी रहती थी। मैंने सिर्फ ये एक ही बात सीखी कि खुद पे काम करना है और सारी चीजें खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और मैम को मेरे दिल से बहुत बड़ा थैंक यू, मतलब इतना बड़ा थैंक यू आप सोच नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ना आपको रिट्रीट में कुछ सीखा आपने? नहीं सीखा काशी ने, कुछ नहीं सीखा यहाँ से। तो ब्रीथिंग में क्या पाया, जो हमने ब्रीथिंग किया तो क्या पाया, एक्सपीरियंस किया क्या, क्या एक्सपीरियंस किया था? अच्छा, आप पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो गई थी, फिर क्या देखा था पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ में क्या देखा था? ओके, फिर क्या हुआ उसके साथ, फिर वो लड़का कौन था? आप थे या आपकी पास लाइफ थी? फिर उसमें स्लिप होने का फियर लगा, स्लिप होके गिर गया तो फियर लगा, इस लाइफ में फियर था आपको माउंटेन से, अब लगता है? अच्छा, आपने रिलीज कर दिया, वेरी नाइस, वेरी गुड। और कुछ देखा, और कोई पास लाइफ क्या? अच्छा, सिर्फ और एक पर्सन ने मुझे मार दिया। तो फिर फियर लगा था उसमें भी मरने का, क्या फियर था? ऐसा फियर इस लाइफ में भी लगता था, कैसे फील होता था वो, जैसे कोई कुछ कर जाए मैं, ऐसा फील होता था? ओके, अभी नहीं लगता ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके जा रहे हो, फिर ब्रीथिंग करोगे, कभी कोई फियर आया तो ब्रीथिंग करोगे खुद से, है ना? अभी क्या सीखा आपने कि अगर कोई भी फियर आए तो अगर आप ब्रीथिंग करते हो तो उसके कॉज तक जा सकते हो, और पास्ट लाइफ में अगर कोई फियर बैठा है आपके साथ कुछ हुआ है तो तुरंत आपको वो मेमोरी सरफेस हो जाएगी, जिससे आपको प्रेजेंट लाइफ में फ्रीडम मिलेगी, है ना? ये सीख के गए हो, जा रहे हो, है ना? और उसकी प्रैक्टिस करोगे आप, जब जरूरत पड़े करोगे ना? वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग।
मतलब कि बहुत सारी एडमिशन लाइक पहले मैं कोई अलग सारी चीज़ें अलग तरीके से देखती थी, बिल्कुल साइंटिफिक वे लॉजिकल वे से, बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मैं बहुत कम एक्सपेक्टेशन से आई थी और सीरियसली मुझे बहुत डेफिनेटली कि मैं अभी जब जाऊंगी तो फिर डिफरेंट आउटकम्स डिफरेंट और आपके पास तरीके हैं। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई कहीं पे स्टक फील करो तो यू कैन ब्रीथ, ब्रीथिंग से सॉल्यूशन मिल जाता है। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋतु पवार, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मुझे माँ से मिले हुए 2 साल हो गए। जब मैं मिली थी तो ये मेरी मैम थी, पर मैंने अपने अंदर जो फियर था हर शैडो का ट्रांसफॉर्मेशन किया, और जो मेरी लॉस सिस्टम थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे इतने सारे जो दुख है, परेशानी है, उनका रूट कॉज क्या है, क्या कारण है, उन्हें बाहर ढूंढने के बजाय जब मैंने माँ की गाइडेंस में अपने अंदर जाके ढूंढा, तो मैंने इमीडिएट उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा, और मैं यहाँ से अपनी लॉस्ट विजडम को वापस लेके जा रही हूँ। माँ का बारंबार बहुत बहुत शुक्राना। मैं शब्दों में, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं यहाँ से क्या लेके जा रही हूँ और मुझे क्या मिला है। थैंक यू सो मच।